चूड़ा बनाने के लिए हमने बारीक वाला जो नागपुरी पोहा होता है उसको भून लिया है। आप चाहे तो ओटीजी में सेक सकते हैं ये पतला वाला चूड़ा। उसके बाद हमने मुरमुरे को भी ओटीजी में सेक लिया, आप चाहे तो धूप में सेक लें। उसके बाद हमने थोड़ा सा खड़ा धनिया और सौंफ का इसमें बघार लगाया और उसमें बंद करके, तेल बंद करके उसमें हल्दी और लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाला और उसमें मिक्स कर दिया। और ऊपर से हमने मिर्ची तली, हरी मिर्ची तल लें, मूंगफली तल लें और खड़ा जो बड़ा साबूदाना होता है उसको तल लें। और चाहे तो आप नारियल के और मीठी नीम के पत्ते ये सब भी तल के डाल सकते हैं, चने की दाल, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर हमने मिक्सी के जार में थोड़ी सी शक्कर, काला नमक और अमचूर पाउडर या फिर साइट्रिक एसिड, इन सबको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया और फिर इसमें मिला दिया। उसके बाद हमने ऊपर से डाला है ये चिवड़े, लाइट चिवड़े का 3 पैकेट और 2 पैकेट पंजाबी तड़का, ये इसमें मिक्स कर दिया है। और ऊपर से हमने डाला है जीरा वन मसाला और फिर अच्छे से मिक्स करके तैयार है चिवड़ा।